नमस्कार, वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के मॉनसून अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कहां पहुंचा है दक्षिण पश्चिम मॉनसून और अगले 24 घंटों के दौरान क्या रहने वाली है इसकी स्थिति। फिलहाल दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा दीहू, जलगांव, परभानी, बीदर, तिरुपति, पुंडुचेरी और बालूरघाट से होकर आगे बढ़ रही है। इसकी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और अधिक आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में सबसे अधिक बारिश का योगदान आया चेरापूंजी से, जहां 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं शिलोंग और बालासोर में 50 मिलीमीटर, गुवाहाटी और मजबाट में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप में सक्रिय बना रहेगा और इन भागों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश और एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। मूसलाधार बारिश के चलते इन भागों में कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, इसलिए इन भागों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत में सामान्य बना रहेगा और इन भागों में आपको हल्की से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। शेष भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि 16 जून से लेकर 22 जून के बीच देश के उत्तर और पूर्वी भारत में काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक आपको तेज बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आपको तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश की ये गतिविधियां इन भागों में दोपहर बाद या शाम के समय ही शुरू होंगी। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।